यार मैं ना आपको लोकेशन सेंड कर दूंगी, तो फिर आप कल आ जाना, ठीक है? ठीक, कमीने, ओके। गैरत, संजर इंसान, तुम तो मेरे आगे से रो रहे थे जैसे तुम मेरे बिना मर जाओगे, तो ये क्या यकीन लगा रहे हो तुम? अलीना बोल रही हो? अलीना हो आप? अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक लड़की 2 साल में किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। रिसेंटली 7 मंथ पहले उस लड़की का ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप के 2 महीने पहले उसके घर वालों ने उसकी मंगनी कर दी किसी दूसरे लड़के के साथ। और अब आके वो कह रही है, जी मेरी लाइफ में एक और लड़के की एंट्री हुई है जो कि मेरे लिए जारो कतार रोता है, मरता है, रुलता है और बेकार और इंसान हो गया वो मेरे बगैर। वो कह रही है कि अगर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया तो मुझे लगता है कि मेरे पे जहन्नम वाजिब हो जाएगी। वो बहुत रोता है, तो प्लीज, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूं, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूं तो करूं क्या, किसको रखूं, इसको छोड़ूं, उसको पकड़ूं, क्या करूं। तो उस लड़की ने कहा मैं नंबर आपको देती हूं। मैं कहा नहीं, तुम दोनों का नंबर दो, हम दोनों को टेस्ट करेंगे। पहले टेस्ट करेंगे उसके मंगेतर को, फिर टेस्ट करेंगे उस लड़के को जो उसके लिए रोता है। और करने लगे हैं लड़की को कॉल, फिर करेंगे लड़के को कॉल, फिर करेंगे दूसरे लड़के को कॉल। ते नंबर मिला ला मामा उदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करने लगे हैं आपके मंगेतर को कॉल, फिर करेंगे आपके आशिक को कॉल, तो आपने लाइन पे रहना है, म्यूट रहना है और बोलना बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप कौन? मैंने आपको लगता है गलत टाइम पे कॉल कर लिया। जी आप बताएं, आप कौन और किससे बात करनी है आपने? जाहिर सी बात है, आपको कॉल किया तो आपसे बात करनी होगी ना। किससे बात करनी है? बात इस तरह यार, आसान है यार, चुप कर दा। आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आ रही है। आज आप सुबह बड़े प्यारे लग रहे थे। प्यारे तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही है। आप बताएं, आपने किससे बात करनी है और क्यों कॉल की है आपने? आप मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे पास ना आपका नंबर कब से था, तो मैंने कहा कि मैं किसी दिन आपको कॉल करूंगी। आज देखा तो बस रहा नहीं गया। देखें, मैं आपको नहीं जानता, ठीक है? तो आपको लगता है गलत नंबर लग गया, आप कहीं और कॉल करें। आपका नाम हमजा है ना? जी हमजा बात कर रहा हूँ। हमजा, बात इस तरह से कि मैं आपकी गली में रहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। देखें मेरी बहन, मैं कॉल बंद करने लगा हूँ, ठीक है? आपने जो बात करनी है सीधा बताएं। नहीं, मेरी बात सुनिए, रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ। आप अच्छे हो? मेरी पहली एंगेजमेंट हुई है, ठीक है? तो आप मेहरबानी करके कॉल ना करें मुझे। अच्छा, मतलब पक्की बात है? एक कुत्ते में और एक इंसान में बहुत ज्यादा फर्क होता है। कुत्ता जो है ना वो हर जगह मुंह मारता है, ठीक है? और इंसान एक जगह पे ही रहता है। तो आप मेहरबानी करके मुझे कॉल ना कीजिएगा। अच्छा, ओके, चलो ठीक है। ओके ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। ये था आपका मंगेतर, और अब करने लगे हैं आपके आशिक का कॉल, और देखते हैं कि वो बंदा जो आपके लिए रोता है और रातों को नहीं सोता है वो कैसा है। नाउ इट्स टाइम टू चेक हर आशिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? कौन कौन क्या, आप सो रहे थे? कौन बात सो रहे थे? नहीं नहीं, कौन बात? नहीं, कौन बात कर रहे हो? मैं रिमशा बात कर रही हूँ। रिमशा, पहचाना नहीं है आपको रिमशा? अरे रिमशा, मैं बस आपके तुम ना हर दफा ऐसे ही करती हो, मुझे गुस्सा आता फिर तुम। हर दफा मैं कितने लड़कों को कॉल करती हूँ, तुम हर दफा ऐसे करती हो। तुम बताओ तो सही, कौन हो, कौन हो? तुम उसको सीधा सीधा बताओ, क्यों तंग कर रही हो उसको? आप फ्री हो ना, हम बात कर सकते हैं थोड़ी सी? जी जी मैं फ्री हूँ, बताए ना कौन बात कर रही है। रिमशा बात कर रही हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, वल्दियत बता दो यार। अपनी अपना इजहार मोहब्बत करो उनको, ये बताओ। मैं नाम सुना यार, मैं रिसेंटली ना यूके से आई हूँ, तो मतलब आपने मुझे नहीं देखा हुआ, पर मैंने आपको देखा था आपकी खाला की बेटी की शादी में। ओ अच्छा, यूके से, ओके। अच्छा क्या बात करनी है आपने? ये मेरी बड़ी बहन है, तो ये ना आपका हाथ मांगना चाह रही है मेरे लिए। नहीं फिलहाल हाथ नहीं मांगना, तो फिलहाल सिर्फ टाइम पास करना है। अच्छा चेक करेंगे टाइम पास करने के लिए, मैं ही मिला हूँ आपको यूके से यहाँ तक। यार मेरी बात सुनिए, उसने आपको देखा था ना, तो आपका सब कुछ पता। अच्छा। है, हमने पता करवा लिया। इसमें जारी सी बात है, शुरू में तो टाइम पास ही होता है ना, मोहब्बत तो बाद में होती है ना। इसकी जान, ये तो वन साइडेड लव है ना आपकी, तो 3-4 दफा इसको मिलो ना, इसको मैं तो कहती हूँ बुलाओ। अच्छा मिलेंगे, मिलने में क्या है? सही से बताओ ना, कहाँ से मेरा नंबर मिला है, आप मुझे कैसे जानती हो?
यार वो तो आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगी ना, एकदम से सारा कुछ थोड़ी बता सकती हूँ। नहीं नहीं आप मुझे बताएं नंबर कहाँ से मिला, मैं आपसे बात करूंगा, आपको मिल भी लूंगा, नो प्रॉब्लम। आप मुझे पहले बताएं ना नंबर कहाँ से मिला। देखिए आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया, पता क्या बात है, देखिए अल्लाह का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, तो मतलब सोर्सेज यूज किए और आपका नंबर निकलवा लिया। मिलो यार फोन पे, मैंने तुम्हें बात नहीं करने देती, मैं इतनी भी घटिया नहीं हूँ कि तुम्हें। अच्छा मेरी बात सुनो इस तरह से कि मेरी आप ही कह रही है कि अगर तुमने इस लड़के से बात करनी है ना तो फिर एक बार मिलो, एक दफा तुम्हें मिलवाना पड़ेगा मुझे, आप ही आपसे मिलेगी, आप ही को आप अच्छे लगोगे, मुझे पता आप ही को अच्छे। पहले तुम अकेली मिलो फिर मुझे मिलवाना, मुझे डर लगता है ना। नहीं कुछ नहीं होता, मिलो तुम, पक्की बात है। आप नंबर कहाँ से लिया मेरा? नंबर को गोली मारो, नंबर तुम्हारे नंबर बस ले लिया कहीं से, ठीक है? कल का तुम इसके साथ टाइम रखो, इसको मिलो। आप ये बताएं ना पहले, क्या बताऊं? प्रॉमिस करें ना, मुझे बताएं ना नंबर कहाँ से लिया है। नंबर जहाँ से आप लोड करवाते हो ना, जहाँ से वहाँ से हम लोग शॉप पे जाके नंबर ले लिया था उसको, हमने 5,000 रुपया दिया था, उसने हमने कहा था कि बाजी रजिस्टर ही लाइयो। मैं बुलाता अभी नहीं, तुम ना इसको मिलने बुलाओ, मैं फोन पे बात करने की इजाजत नहीं दे सकती, मैं इतनी घटिया नहीं हूँ, ठीक है? तुम डायरेक्ट इसको मिलो, ठीक है? मिलने बुलाओ और फिर आप लोग कंटिन्यू करो आपस अच्छा। में इसको भी बुलाओ, मैं तो कहती हूँ अभी बुलाओ, आ जाओ। मिल लूंगा मैं, मिल लूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मिल भी लूंगा, सब मिलना, आप बताएं। आज मिल लो, अभी आज नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, आज तो मेरे घर गेस्ट है, मैं कल मिलूंगा आपको, कल मिल सकता हूँ इजीली। यार मैं ना आपको लोकेशन सेंड कर दूंगी तो फिर आप कल आ जाना, ठीक है? कमीने, ओके, संजर इंसान, तुम तो मेरे आगे से रो रहे थे जैसे तुम मेरे बिना मर जाओगे, तो ये क्या यकीन लगा रहे हो तुम? अलीना बोल रही हो? अलीना हो आप? मेरी बात तो सुनो, ये मुझे तो मेरी बहन आप तो सीधी गालियां देने लगी हो, मतलब वो गालियों का ही काम है ना, उसको गालियां नहीं दूंगी तो और क्या करूंगी, प्यार करूंगी जाके। चलो ठीक है, चलो उस बात को छोड़ें, थैंक यू, आपने मेरी आंखें खोल दी, तो आपने हमारी भी आंखें खोल दी, एक बुरे इंसान से बचाया। वीडियो बीपो बीप करती तुसी हट दो। ये वो लड़का था जो तुम्हारे लिए रोता था? हाँ ये वही कंजर इंसान था जो मेरे लिए रोता था। और वो अब जो आपका मेरे ख्याल फियांसी अच्छा बंदा यार, वो हम अच्छा उसको, आप उसको कंटिन्यू हम उसको ना मतलब के 100% नंबर देंगे, 10 out of 10 देंगे हम उसको, क्योंकि वो यार आपने मेरी ना आंखें खोल दी, मैं इसकी चाल में फंसने से पहले ही बच गई हूँ, आपने बहुत अच्छा किया, मैं सोच मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं, मैं इतनी खुश हूँ, कुछ कह नहीं सकता, दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू सो मच, आपके प्यार का शुक्रिया और आपकी गालियों का भी। गाइस मजा आया तो लाइक शेयर कमेंट लास्ट भी किया करो।